Hola guys, I hope all of you are doing great. My name is Manika and welcome back to my YouTube channel, Legaltopia. So guys, basically I am a third year law student at Faculty of Law, University of Delhi. So if you would be getting into law faculty, I would be your super senior. Nothing to brag about, it's just I want you to listen to me with little patience and little attention. Theek hai? If you can, right? तो एंड तक इस वीडियो को देखना. आई एम श्योर इससे आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अबाउट सर्टन इनसाइड अबाउट लॉ फैकल्टी एंड द प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग एंड व्हाट नॉट. ठीक है, तो हम इस वीडियो में तीन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. फर्स्ट इज कट ऑफ, कि क्या अज्यूम टेंटेटिव कट ऑफ रहने वाली है. सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज वो है कि अगर आपका शॉर्ट शॉर्ट स्कोर है कि आप तो लॉ फैकल्टी या फिर बीएचयू में होने ही वाले हो सिलेक्ट, तो आपका वे अहेड क्या रहना चाहिए. एंड थर्ड चीज वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर ऑन द बॉर्डर लाइन्स. उनको लगता है शायद हो जाएगा, शायद नहीं होगा, और दोज जिनको पता है कि नहीं यार हमारा तो नहीं होगा, अब शायद ड्रॉप करना चाहिए या ड्रॉप नहीं करना चाहिए, वॉट शुड वी डू नाउ. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टेंटेटिव कट ऑफ या फिर एक सेफ स्कोर क्या रहने वाला है. ठीक है, तो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ. यार ये बस एक टेंटेटिव है, एक अजम्पशन है. ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, बट एक चीज ध्यान में रखना. लाइक लास्ट ईयर जो हुआ, मैं ब्रीफली उसको आपको शेयर करने वाली हूँ. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. देखो क्या हुआ था बेसिकली लास्ट ईयर, लाइक बिफोर दिस, अज्यूम कट ऑफ्स और टेंटेटिव कट ऑफ्स काफी लोगों ने रिलीज की, इंक्लूडिंग मी. तो मैंने 250 को एक सेफ स्कोर बताया, 245 टू 250 एक सेफ स्कोर बताया. ठीक है, एंड ज्यादातर लोग यही प्रिज्यूम कर रहे थे, अज्यूम कर रहे थे. अब सब्सिक्वेंटली क्या होता है, कट ऑफ जाके 257 पे स्टॉप हो जाती है. Like the last cutoff for the general category, the unreserved category was 257, ठीक है? And after that, क्या होना था फिर? ये होना था कि people started messaging me, काफी hateful messages भी कह सकते हो आप, sentimental, emotional and totally understandable, ठीक है? मैं समझ रही हूँ कि उनका admission नहीं हुआ. Basically क्या हुआ था, जिस time पे ये exam हुआ ना, exam got delayed, result got delayed, every private university was closed. ठीक है, मतलब एडमिशन क्लोज हो चुके थे हर जगह. अब क्या रह गया था इन लोगों के पास, जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ. एक तो तुमने डिले कर दिया एग्जाम में, पैटर्न चेंज कर दिया, रिजल्ट में डिले कर दिया, और अब तुम कट ऑफ कैसे निकाल रहे हो ऐसी, जहां पे ऑल टाइम हाई तुम लास्ट कट ऑफ लेके आ रहे हो 257. अब काफी लोगों ने ऐसा बोला कि चीटिंग हुई थी, न्यूमरस क्लेम्स, न्यूमरस एलिगेशंस, बट नुकसान किसका हुआ, उन लोगों का जिन्होंने बहुत मेहनत की और जो पूरी तरह प्रिपेयर थे कि हमारा एडमिशन होना ही है, उनका एडमिशन नहीं हुआ. ओके, सो कीपिंग दैट पॉइंट इन माइंड, आप कट ऑफ सुनना, क्योंकि देखो कट ऑफ कोई शॉर्ट शॉर्ट गारंटी नहीं होती है. इट्स जस्ट कि एवरी चैनल इज कमिंग अप विद सर्टेन टेंटेटिव थिंग्स, सर्टेन सेफ स्कोर, जो उनको लगता है कि सेफ होगा, बेस्ड अपॉन हाउ मेनी पीपल अपीयर, बेस्ड अपॉन द पैटर्न ऑफ द पेपर, बेस्ड अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर. ठीक है, तो उन्होंने एक स्कोर निकाला, सेम गोज विद मी. ठीक है, तो मुझे जो लगता है, मैं अब आपको बताती हूँ जनरल कैटेगरी का सेफ स्कोर. देखो मैं एक सेफ स्कोर बताऊंगी, एक डिजिट, आप उसके आगे प्लस फाइव माइनस फाइव कर लेना. ठीक है, तो आई थिंक 245 इज द सेफ स्कोर. ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी. फॉर ईडब्ल्यूएस आई थिंक 225 वुड बी अ सेफ स्कोर फॉर ईडब्ल्यूएस. फॉर ओबीसी आई थिंक 220 वुड बी अ सेफ स्कोर, 220. फॉर एससी आई थिंक 190 इज द सेफ स्कोर, 190. फॉर एसटी 150, 150. फॉर पीडब्ल्यू एंड सीडब्ल्यू 120 से 130 के बीच में. देखो पीडब्ल्यू सीडब्ल्यू को यूजली प्रेफरेंस मिलती ही है. ठीक है, तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, कोई चीज नहीं है टू वरी अबाउट, इट्स जस्ट अ स्कोर. ठीक है, 120 टू 130 के बीच में अगर आपका है तो आपका हो जाने वाला है. ठीक है, तो ये हैं कुछ सेफ स्कोर्स, अगर आप इनमें लाइक करते हो तो यू आर काइंड ऑफ सेफ. ठीक है, तो अब आपके लिए वे हाइट क्या रहेगा, ये हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में. सेकेंड पॉइंट, सो सेकेंड पॉइंट टॉक्स अबाउट कि क्या हमारा वे हाइट रहने वाला है इफ वी आर अ सेफ स्कोरर. ठीक है, तो हम इसमें तीन चीजों की बात करने वाले हैं. सबसे पहली चीज डॉक्यूमेंट्स फॉर द काउंसलिंग, दूसरी चीज हमारी रहने वाली है अकोमोडेशन, एंड तीसरी चीज जो रहने वाली है सिलेबस. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि हमारा तो होने वाला है ना. ठीक है, तो हम स्पेसिफिकली अभी ड्यू के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ड्यू एलएलबी का, क्योंकि मैं उसके लिए आपको परफेक्ट गाइडेंस दे सकती हूँ. बीएचयू के लिए आई डोंट थिंक आई वुड बी द राइट पर्सन टू गाइड यू. तो अगर हम ड्यू एलएलबी की बात करते हैं, पहली चीज जो मैंने आपको बताई ड्यू एलएलबी के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस. देखो काउंसलिंग प्रोसेस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई एड दैट टू द आई बटन एज वेल एज इन द लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो आपको मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो एक बार चेक दैट आउट. उसमें आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करा रही हूँ, ये है लिस्ट जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है विद रिस्पेक्ट टू काउंसलिंग. ठीक है, कोई डाउट है तो वो वाली वीडियो जाकर देख लेना, उसमें कमेंट बॉक्स में भी लोगों ने काफी चीजें पूछी है, आई रिप्लाइड द सेम, तो वहां से भी आपको काफी क्वेरीज सॉल्व हो जाने वाली है. ठीक है, हाँ, तो काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना. दूसरी चीज हमारी रहने वाली है अकोमोडेशन. ट्राई फाइंडिंग सर्टन अकोमोडेशन, पीजीज और हॉस्टल्स, व्हाटसोएवर सूट्स यू, फ्लैट्स,
ठीक है, तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखी है, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी, शायद आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए क्योंकि आई हैव बीन अ दिल्लीआइट सिंस द वेरी बिगनिंग. तो मैंने काफी लोगों से पूछ के आई एक्वायर्ड सर्टेन इन्फॉर्मेशन एंड मैंने वो उस वीडियो में ऐड किया है, ठीक है, तो माइट हेल्प यू ऑल. ठीक है, और फर्दर अगर बात रही अकोमोडेशन के रिस्पेक्ट में ही, अकोमोडेशन देखो स्टार्टिंग में ट्राई कि पीजी पे रिलाई करना रादर देन फ्लैट्स, क्योंकि फ्लैटमेट मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है और फ्लैटमेट अगर अच्छा नहीं हुआ है तो जिंदगी झंड बन जाती है, या आप लोगों ने काफी उन्हें एक्सपीरियंस किया भी होगा. तो इनिशियली अपना पीजी देखना, फिर सब्सिक्वेंटली कोई कॉलेज में फ्रेंड्स बन गए, आपको लगता है कि यू कैन शेयर योर फ्लैट विद समवन, देन यू कैन स्विच टू फ्लैट्स. ठीक है, तो अकोमोडेशन कब के लिए देखना शुरू करें, देखो मोस्ट प्रोबेबली सेप्टेम्बर एंड में ना आपसे जो सीनियर बैच है हु वुड बी गिविंग देयर सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स इन सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर मिड में उनके एग्जाम होने वाले हैं, 18-19 सेप्टेम्बर से स्टार्ट है उनके एग्जाम, तो सेप्टेम्बर एंड तक दे वुड वाइंड अप विद देयर एग्जाम्स. हाँ, तो चांसेस हैं कि अक्टूबर के बिगनिंग से आपकी क्लासेस शुरू होंगी. ठीक है, तो उसी टाइम के लिए पीजी अपना देखना शुरू करना, नॉट बिफोर दैट, क्योंकि उससे पहले आई डोंट थिंक क्लासेस शुरू हो सकती हैं. उसी सेम बिल्डिंग में वो एग्जाम लेंगे, उसी सेम बिल्डिंग में आपकी क्लासेस करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना. तो अक्टूबर के लिए आई थिंक अक्टूबर में ही आपकी क्लासेस शुरू होंगी. ठीक है, तो अक्टूबर के लिए यू कैन स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर द अकोमोडेशन. अब बाकी तीसरी चीज रही सिलेबस, सिलेबस आप लॉ फैकल्टी की डायरेक्ट साइट पे जाओ, वहां पे आपको 5 केसमैट मिल जाएंगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, आईपीसी हो गया, टॉर्च हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट है आई थिंक, और फैमिली है आई बिलीव. तो ये जो ब्रीफ स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक रहेंगे, जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है, तो इनके केस मैट्स डाउनलोड करो. केस मैट्स में कुछ केसेस दिए होते हैं, जजमेंट्स दिए होती हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स, उनको रीड करना शुरू करो. तो दैट्स हाउ यू कैन बिगिन विद योर प्रिपरेशन. ठीक है, हाउ वाई टू वेस्ट योर टाइम, है ना, क्योंकि अब ये तो थोड़ा डिले हो गया है, तो अपना प्रिपरेशन शुरू करो, धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा. सो गाइज, अब हम आते हैं अपने तीसरे काइंड ऑफ पीपल के पास, जिन लोगों को लग रहा है या तो वो बॉर्डर लाइन पे है या उनका एडमिशन नहीं होगा शॉर्ट शॉर्ट. ठीक है, अब ऐसे लोगों को बस मैं इतना सा कहना चाहूंगी कि वट डू यू थिंक, दिस वॉज द लास्ट स्टॉप, इसके बाद लाइफ सेट ही सेट है. नहीं, ऐसा हमें लगा था ना, 10th के बाद बोर्ड देने के बाद हमें लगा था लाइफ सेट ही सेट है इसके बाद, फिर 12th के बाद भी हमें ये लगा था, फिर ग्रेजुएशन के बाद भी हमें ये लगा था, तो अब इसके बाद भी आपको ये लग रहा होगा कि लाइफ सेट ही सेट है इसके बाद, तो इसके बाद क्या, है ना. तो लेट मी टेल यू, लाइफ सेट ही सेट नहीं है. ठीक है, बहुत हसल है, यू नीड टू वर्क रियली 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 हार्ड. ओके, तो अगर आपने मेरी वीडियोज नहीं देखी है अबाउट अ डे इन द लाइफ ऑफ लॉ स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, चेक आउट द सेम एंड यू वुड रियलाइज कि यार हसल बहुत है. ठीक है, आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, इंटर्नशिप आपको खुद ढूंढनी पड़ रही हैं, आपको मोटिंग वगैरह में खुद पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स खुद डालने पड़ रहे हैं, कोई आपको स्पून फीड नहीं करता. ठीक है, एंड आप एक चीज देख रहे हो कि लॉ फैकल्टी की फीस कम है. देखो मैं स्पेसिफिकली आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी का मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि आई हैव सम इनसाइट इनटू द सेम, आई हैव बीन इनटू इट. तो यहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं होती है. ठीक है, कोई किसी टाइप की प्लेसमेंट नहीं होती, सब आपको खुद ही करने हैं, अपने अटेम्प्ट्स डालने, एफर्ट्स डालने, हैव टू डू न्यूमरस इंटर्नशिप्स, आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करने हैं, मूटिंग में अपने आप को एक्सप्लोर करना है, हैव टू बिल्ड योरसेल्फ. ठीक है, तो कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा अंटिल एंड अनलेस यू मेक अ गुड कनेक्शन बेस फॉर योर ओन सेल्फ. यू आर गेटिंग मी? तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज बोलूंगी, अगर इफ यू आर प्लानिंग टू ड्रॉप एन ईयर फॉर दिस, तो आई विल सजेस्ट डोंट डू द सेम. ठीक है, लॉ फैकल्टी इज गुड. The people who cannot afford a law degree, नहीं मतलब financially viable नहीं है, तो उनके लिए मैं नहीं बोल रही. हाँ, आप लोग for sure you can wait, but अगर आप financially viable हो, you can afford a better degree, तो there are numerous options. Private universities हैं, IP universities हैं. एक साल drop करने से अच्छा तो I will suggest कोई भी 3-year law college में admission लो and get done with it. With that, do numerous other things. ठीक है, skill update करो अपने, उसके बाद कॉन्फिडेंस एनहांस करो, उसके बाद ड्राफ्टिंग, लर्न सम ड्राफ्टिंग, सम लिटररी वर्क. ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली डू सर्टेन इंटर्नशिप्स. इंटर्नशिप्स और एक्सपीरियंस इज द ओनली थिंग विच वुड मेक यू स्टैंड आउट इन दिस होल प्रोफेशन. ठीक है, तो कंक्लूजन देती हूँ मैं इसका. ठीक है, अब इतनी बड़ी वीडियो नहीं करनी है इसको. कंक्लूजन ये है कि आई सजेस्ट कि ड्रॉप मत करना. BHU, DLLB के अलावा भी अगर पंजाब यूनिवर्सिटी है, अदर यूनिवर्सिटीज हैं, गेट इन टू दोस, ले लो एडमिशन, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. सो या विद दिस वी विल वाइंड अप दिस वीडियो. आई होप आपके काफी कुछ डाउट्स क्लियर हुए, थोड़ी सी हेल्प मिली, थोड़ा सा आपको क्लू मिला कि आगे क्या करना है, हाउ टू प्रोसीड. हेल्पफुल थी वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, एंड ऑल्सो सब्सिक्वेंटली कोई और डाउट्स हो, कुछ और क्वेरीज हो, कोई रिकमेंडेशन सजेशन हो, या फिर कोई सब्सिक्वेंट वीडियोज के लिए टॉपिक्स हो, कमेंट डाउन बिलो. आई ट्राई कि मैं उस पर वीडियो ला पाऊं और आपकी हेल्प कर पाऊं. एंड ऑल्सो गाइज, थैंक यू फॉर बींग देयर, फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट, एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट. ठीक है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ईच वन ऑफ यू एट फैकल्टी ऑफ लॉ. ठीक है, एंड आई होप आप सभी का एडमिशन हो जाए. ठीक है, इस बार कट ऑफ इतनी अच्छी आनी चाहिए कि सबका एडमिशन हो जाए, एंड सब लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि दी हमारा हो गया फाइनली. तो या आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम. सो